सबसे पहले हम लोग क्रिएट करेंगे एक टेक्स्ट वीडियो फाइल। तो टेक्स्ट वीडियो फाइल क्रिएट करने के लिए हम लोग टाइटल्स पे क्लिक करेंगे और डिफॉल्ट टाइटल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टाइमलाइन पे, एंड इस पे डबल क्लिक करके हम लोग हमारे फॉन्ट को चेंज करेंगे। यहाँ से फॉन्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एंड देन हम लोग टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपना टेक्स्ट एंटर करेंगे। मैं एबी प्लैनेट एंटर कर रहा हूँ, आप कोई भी टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। देन हम लोग टेक्स्ट की स्पेसिंग को इंक्रीज करेंगे अराउंड 5, एंड देन हम लोग एडवांस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग हमारे टेक्स्ट को हल्का सा ऊपर की तरफ अलाइन करेंगे, एंड देन एक टेक्स्ट ऐड करेंगे, इसके फॉन्ट को चेंज करेंगे यहाँ से, प्लस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसके साइज को हम लोग 45 पे रिड्यूस करेंगे और टेक्स्ट को हम लोग हल्का सा अलाइन करेंगे ए बी प्लैनेट के नीचे और इस पर डबल क्लिक करके अब यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट को चेंज करेंगे। अब हम हमारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट फिल के अंदर इमेज फिल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग टेक्स्चर सिलेक्ट करेंगे और सेम वे से जो हमारा सेकंड टेक्स्ट है उसका भी हम लोग टेक्स्ट फिल को चेंज करेंगे इमेज फिल के अंदर, टेक्स्चर को सिलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे। अब ओके प्रेस करेंगे, अब अगेन एक बार डबल क्लिक करेंगे और जो हमने प्रेजेंट लिखा था उसकी टेक्स्ट स्पेसिंग को हम लोग इंक्रीज करेंगे 5 पे। अब हम लोग इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और प्लेहेड को 5 सेकंड पे लेके आएंगे और पेस्ट कर देंगे और इसी तरीके से फर्दर टेक्स्ट को भी क्रिएट करेंगे। अगेन मीडिया के अंदर जाएंगे और यहाँ पे अब हम लोग इम्पोर्ट करेंगे हमारी इंट्रो फिल को। एक और फाइल को हम लोग इम्पोर्ट करेंगे जो है टेक्स्ट 01। टेक्स्ट 01 को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टेक्स्ट के ऊपर वाली लेयर पे, एंड इसके साइज को रिड्यूस करके हम लोग मैच करवा देंगे 5 सेकंड पे, एंड डबल क्लिक करके इसके ब्लेंडिंग मोड को हम लोग चेंज करेंगे स्क्रीन पे। एंड अब इस 01 फाइल को कॉपी करेंगे और फर्दर हम लोग पेस्ट कर देंगे टिल एंड। अब हम लोग इंट्रो फिल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टॉप लेयर के ऊपर 5 सेकंड की ड्यूरेशन करने के बाद इस पे डबल क्लिक करेंगे और इसकी स्केल को हम लोग हल्का सा इंक्रीज करेंगे और ब्लेंडिंग मोड को कलर डॉज पे रखेंगे और प्लेहेड को 5 सेकंड पे लेके आएंगे और सेम प्रोसेस हम लोग इसमें भी यूज करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे टिल एंड। अब इस क्लिप को हम लोग प्ले करके देखते हैं। अब इस क्लिप को हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, आउटपुट फोल्डर सेलेक्ट करेंगे हम लोग। मैंने ऑलरेडी सिनेमैटिक इंट्रो क्रिएट किया हुआ है तो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ टेक्स्ट वीडियो फाइल और सेटिंग पे क्लिक करेंगे और क्वालिटी बेस्ट एंड बिट रेट 50,000 पे रखेंगे। फ्रेम रेट को हम लोग 60 फ्रेम पर सेकंड पे करके ओके करके और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। अब हम लोग हमारी इन फाइल्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे, प्लस मीडिया बिन से प्रोजेक्ट मीडिया से भी हम लोग फाइल्स को डिलीट कर देंगे। अब हम लोग इम्पोर्ट पे क्लिक करेंगे और जो हमारी टेक्स्ट वीडियो फाइल थी उसको हम लोग इम्पोर्ट करेंगे, प्लस यहाँ पे वो सारी फाइल्स को हम लोग इम्पोर्ट करेंगे जो हमें रिक्वायर है ये सिनेमैटिक टाइटल क्रिएट करने के लिए। तो उन सबको मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ। अब हम लोग हमारी बैकग्राउंड क्लिप को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टाइमलाइन के ऊपर, एंड देन हम लोग प्लेहेड को लेके जाएंगे 5 सेकंड पे और यहाँ पे हम लोग हमारी बैकग्राउंड क्लिप को कट करेंगे और रेस्ट ऑफ पार्ट को डिलीट कर देंगे। 5 सेकंड पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, प्लेहेड को स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके जाएंगे और एक की फ्रेम हम लोग स्टार्टिंग में ऐड करेंगे और स्केल को हम लोग इंक्रीज करेंगे 140% पे, एंड प्लेहेड को एंड पॉइंट पे लेके आएंगे और अगेन स्केल को डिक्रीज कर देंगे 100% पे। की फ्रेम को ड्रैग करके क्लिप के एंड पॉइंट पे मैच करवा देंगे। इस बैकग्राउंड क्लिप को सिलेक्ट करेंगे और प्लेहेड को 5 सेकंड पे रखेंगे और पेस्ट कर देंगे टिल 25 सेकंड। अब टेक्स्ट वीडियो फाइल को हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टाइमलाइन के ऊपर और इस पे डबल क्लिक करेंगे, कलर में जाएंगे, एडवांस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इपिक। आप रेस्ट ऑफ जो प्रीसेट्स हैं आप उनको चूज कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे एडजस्ट के ऊपर और इसके थोड़े से हम लोग कलर्स को एडजस्ट करेंगे। अब प्लेहेड को हम लोग लेके जाएंगे 5 सेकंड पे और एक कट हम लोग यहाँ पे लगाएंगे और रेस्ट ऑफ कट भी हम लोग 5-5 सेकंड पे लगाएंगे। फर्स्ट क्लिप को सिलेक्ट करेंगे और वीडियो में जाएंगे और इसके ब्लेंडिंग मोड को हम लोग लाइनर डॉज पे रखेंगे। सभी के ब्लेंडिंग मोड को हम लोग लाइनर डॉज पे कर देंगे। देन फर्स्ट क्लिप को सिलेक्ट करेंगे, एनिमेशंस में जाएंगे और एक की फ्रेम यहाँ पे ऐड करेंगे और स्केल को इंक्रीज कर देंगे 200% पे। देन प्लेहेड को हम लोग 15 फ्रेम फर्दर लेके आएंगे और एक की फ्रेम यहाँ पे ऐड करेंगे और इसकी स्केल को हम लोग रिड्यूस कर देंगे 110 पे। देन प्लेहेड को हम लोग 1 सेकंड फर्दर लेके आएंगे और स्केल को हम लोग अगेन रिड्यूस कर देंगे 85%। सो ये सेम प्रोसेस हम लोग
बाकी के क्लिप्स के ऊपर भी करेंगे जो हमारी टेक्स्ट वीडियो फाइल है। अब हम लोग जाएंगे ट्रांजिशंस में और यहाँ से हम लोग रैप जूम 6 को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे क्लिप के स्टार्टिंग में और ट्रांजिशन की ड्यूरेशन को हम लोग रिड्यूस कर देंगे और इसकी ड्यूरेशन को जस्ट हम लोग जो हमारा सेकंड की फ्रेम था उससे थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे और सेम प्रोसेस हम लोग रेस्ट ऑफ क्लिप के ऊपर भी करेंगे। अब रैप जूम 3 को हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे क्लिप के एंड पॉइंट पे और इसकी ड्यूरेशन को हम लोग बहुत कम रखेंगे, तो प्ले हेड के साथ में इसकी ड्यूरेशन को एडजस्ट करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, सो रेस्ट ऑफ क्लिप के ऊपर भी सेम ड्यूरेशन रखेंगे। अब हम लोग हमारी टेक्स्ट वीडियो फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे सारी क्लिप्स को और इसको शिफ्ट कर देंगे ट्रैक 3 के ऊपर और स्मोक को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हम लोग ट्रैक 2 के ऊपर। राइट क्लिक करके इसकी स्पीड एंड ड्यूरेशन में जाएंगे और इसकी ड्यूरेशन को हम लोग इंक्रीज करेंगे 5 सेकंड पे, देन इस पे डबल क्लिक करेंगे और वीडियो में जाके इसके ब्लेंडिंग मोड को हम लोग चेंज करेंगे स्क्रीन पे और ओपेसिटी को हम लोग डिक्रीज कर देंगे 50 पे। अब स्मोक क्लिप को कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे टिल 25 सेकंड। अगेन हम लोग हमारी टेक्स्ट वीडियो फाइल्स को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट कर देंगे ट्रैक 4 के ऊपर। अब हम लोग हमारे पार्टिकल होल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक 3 के ऊपर, इसको रिड्यूस करके हम लोग 5 सेकंड पे कर देंगे, प्लस इसको हम लोग इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि जो हमने टेक्स्ट वीडियो फाइल में ट्रांजिशंस लगाए थे उनके बीच में ये पार्टिकल होल्डर रहे। अब पार्टिकल होल्डर पर डबल क्लिक करेंगे और स्केल को हम लोग रिड्यूस करेंगे, आप अपने हिसाब से स्केल को रिड्यूस कर सकते हैं, देन इसकी वाई एक्सेस को हम लोग अलाइन करेंगे एंड ब्लेंडिंग मोड को हम लोग चेंज करेंगे स्क्रीन पे और अब इस पार्टिकल होल्डर को हम लोग कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे रेस्ट ऑफ क्लिप पे। अब रेड फ्लेयर को हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हम लोग ट्रैक 5 के ऊपर और इसको हम लोग अलाइन करेंगे जस्ट टेक्स्ट वीडियो फाइल के अंदर जो हमारा सेकेंड की फ्रेम था उसके ऊपर और डबल क्लिक करेंगे इस पे और इसके ब्लेंडिंग मोड को हम लोग चेंज करेंगे स्क्रीन पे और इसकी स्पीड को इंक्रीज करेंगे हम लोग 2x पे। अब इसको हम लोग अलाइन करेंगे, तो जैसे मैं अलाइन कर रहा हूँ आप ऐसे भी अलाइन कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से किसी और जगह पे भी इसको अलाइन कर सकते हैं। अलाइन करने के बाद में हम लोग इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे हम लोग रेस्ट ऑफ क्लिप्स के ऊपर। अब हम लोग हमारी प्री रेंडर 01 को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक 6 के ऊपर, इस पे डबल क्लिक करेंगे और ब्लेंडिंग मोड को हम लोग चेंज करेंगे स्क्रीन पे, प्लस हम लोग जाएंगे कलर में और एडवांस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर्स देखने को मिलेंगे। आप जो कलर रखना चाहते हैं इस फ्लेयर का आप वो कलर यहाँ से सेलेक्ट करके और रख सकते हैं। इसके टेम्परेचर को हम लोग हल्का सा कम करेंगे अराउंड 25 पे। अब हम लोग प्री रेंडर की स्पीड को इंक्रीज करेंगे और 2x पे इसकी स्पीड को रखेंगे एंड देन इसको ड्रैग करके इसकी पोजीशन को हम लोग अलाइन करेंगे जो रेड फ्लेयर हमने लगाया था जस्ट उसके पीछे और इस पे डबल क्लिक करेंगे और वीडियो के अंदर जाके वाई एक्सेस को हम लोग डिफाइन करेंगे एंड देन इसको कॉपी करेंगे हम लोग और पेस्ट करेंगे हम लोग रेस्ट ऑफ क्लिप्स के ऊपर। अगेन रेड फ्लेयर को हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टॉप लेयर के ऊपर और इस बार हम लोग रेड फ्लेयर को रखेंगे प्री रेंडर क्लिप के ऊपर और इस पे डबल क्लिक करेंगे और ब्लेंडिंग मोड को हम लोग चेंज करेंगे स्क्रीन पे एंड इसकी स्पीड को इंक्रीज करेंगे 2x पे। तो पहले इसकी पोजीशन को हम लोग डिफाइन कर देंगे एक्स एक्सेस पे प्लस वाई एक्सेस पे। पोजीशन डिफाइन करने के बाद में एनिमेशंस में जाएंगे और ऐड पे क्लिक करेंगे, की फ्रेम ऐड करेंगे, प्ले हेड को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, अगेन यहाँ पे की फ्रेम को ऐड करेंगे और यहाँ पे हम लोग इसकी एक्स एक्सेस को अब डिफाइन करेंगे कि जो हमारी फ्लेयर है वो कहाँ पे ट्रैवल होनी चाहिए, तो वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। उसको डिफाइन करने के बाद में वीडियो में जाएंगे, इसकी स्केल को रिड्यूस करेंगे 70% पे, देन हम लोग की फ्रेम्स को ड्रैग करके अलाइन कर देंगे वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पे और एंड पॉइंट पे। देन इसको हम लोग कॉपी करेंगे, प्ले हेड को ब्लैंक में लेके आएंगे और पेस्ट कर देंगे इसको यहाँ पे और इसको ड्रैग करके हम लोग रेड फ्लेयर को जो हमने अभी रिसेंटली रेड फ्लेयर लगाया था उसके ऊपर की तरफ अलाइन करेंगे ऊपर वाली लेयर पे। इसके की फ्रेम्स को हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे और डबल क्लिक करके एक्स एक्सेस पे और वाई एक्सेस पे अब हम लोग इसकी पोजीशन को डिफाइन करेंगे। तो आप लोग अपने हिसाब से इसकी पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं, आपको कहाँ पे इसकी पोजीशन रखनी है। पोजीशन डिफाइन करने के बाद में हम लोग जाएंगे एनिमेशन के अंदर और यहाँ पे की फ्रेम को ऐड करेंगे, प्ले हेड को फर्दर लेके आएंगे
और अगेन यहाँ पे की फ्रेम को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग इसकी एंड पोजीशन को डिफाइन करेंगे कि कहाँ पे हमारी फ्लेयर को ट्रैवल करना है, किस पॉइंट तक ट्रैवल करना है। तो वो पॉइंट डिफाइन करने के बाद में की फ्रेम को ड्रैग करके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे मैच करवा देंगे। देन हम इन दोनों फ्लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और रेस्ट ऑफ क्लिप्स के ऊपर पेस्ट कर देंगे और उसकी पोजीशन को डिफाइन करेंगे। अब हम लोग व्हाइट फ्लेयर को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इस पर डबल क्लिक करेंगे, वीडियो में जाएंगे और इसके ब्लेंडिंग मोड को हम लोग चेंज करेंगे स्क्रीन पे, एंड साइज को हम लोग रिड्यूस करेंगे अराउंड 50% पे, एंड देन इसकी स्पीड को इंक्रीज करेंगे 2x पे, एंड देन इसको हम लोग रोटेट करेंगे 25 डिग्री पे। 25 डिग्री पे रोटेट करने के बाद में इसकी हम लोग x एक्सेस पे और y एक्सेस पे इसकी पोजीशन को डिफाइन करेंगे। जैसे मैं इसकी पोजीशन को a के ऊपर डिफाइन कर रहा हूँ, आप किसी भी लेटर के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं। पोजीशन डिफाइन करने के बाद में इसको शिफ्ट कर देंगे हम लोग ट्रैक 6 के ऊपर रेड फ्लेयर के जस्ट बाद में, और इसको कॉपी करेंगे और रेस्ट ऑफ क्लिप पे पेस्ट करेंगे और पोजीशन को डिफाइन करेंगे। अब हम लोग टॉप लाइट को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टॉप लेयर के ऊपर और इसको कट करेंगे हम लोग 5 सेकंड पे। रेस्ट ऑफ पार्ट को डिलीट कर देंगे, 5 सेकंड वाले पार्ट को सिलेक्ट करेंगे और इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसके ब्लेंडिंग मोड को हम लोग चेंज करेंगे स्क्रीन पे, एंड ओपेसिटी को हम लोग रिड्यूस करेंगे यहाँ पे अराउंड 50% पे, और हल्का सा स्केल को इंक्रीज करेंगे हम लोग। स्केल को अराउंड 50% इंक्रीज करेंगे, इट मीन स्केल को हम लोग रखेंगे 150% पे। अब इसको कॉपी करके हम लोग पेस्ट करेंगे टिल एंड। अब हम लोग हमारे पार्टिकल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टॉप लेयर के ऊपर, इट मीन्स टॉप लाइट के ऊपर, और इसकी भी पोजीशन को हम लोग डिफाइन करेंगे जो हमारी टेक्स्ट वीडियो फाइल के अंदर जो हमने ट्रांजिशंस लगाए थे उन दोनों ट्रांजिशंस के बीच में, और इस पर डबल क्लिक करके इसके ब्लेंडिंग मोड को हम लोग चेंज करेंगे कलर डॉज पे, और इसको अब हम लोग कॉपी करके पेस्ट कर देंगे सभी क्लिप्स के ऊपर। अब हम लोग जाएंगे इफेक्ट्स के अंदर और फ्रेम्स के अंदर हम लोग सिनेमा 21:9 को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टॉप लेयर के ऊपर, और इसको ड्रैग करके हम लोग एक्सटेंड कर देंगे टिल एंड, इट मीन्स टिल 25 सेकंड। और अब हम लोग इस हमारी क्लिप के अंदर देंगे बैकग्राउंड म्यूजिक, या फिर आप कह सकते हैं बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट। तो सिनेमैटिक ऑडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ऑडियो ट्रैक के ऊपर और इसको हल्का सा हम लोग अलाइन करेंगे हमारी क्लिप्स के साथ में, जहाँ पे हमारा सेकंड फ्रेम चालू हो रहा है की फ्रेम, उस पॉइंट पे इसको अलाइन करेंगे। तो अब ये हमारा इफेक्ट पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब हम लोग क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट के ऊपर और सेटिंग्स में जाएंगे, बेस्ट सेलेक्ट करेंगे, बिटरेट को 50,000 पे रखेंगे, ओके प्रेस करेंगे, एंड मैं यहाँ से हमारी क्लिप को नाम दे देता हूँ सिनेमैटिक टाइटल और एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। तो अब ये हमारी क्लिप पूरी तरह से एक्सपोर्ट हो चुकी है। तो अब इसको हम लोग प्ले करके देखते हैं।